सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर माह में सभी शिक्षकों को 3 कोर्स करने हैं, उनमें से जो 9th कोर्स है वह है व्यावसायिक शिक्षा। आप सभी से आग्रह है कि आप किसी भी कोर्स को करने में कम से कम 3 से 4 घंटे गहराई के साथ उसका अध्ययन करें। व्यावसायिक शिक्षा एक नया कोर्स है जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में लाया गया है, इसलिए इस कोर्स का बहुत अधिक महत्व है। तो आओ चलें इस कोर्स के प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता डैश के तहत प्रदान किया जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा 4 विकल्प में से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क आएगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम डैश शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। तो इसका उत्तर हम चुनेंगे 50%। देश भर में उद्योग या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यता की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। तो इसका जो विकल्प है 4, इसका उत्तर आएगा VIT के कौशल मानकों का वितरण। समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा डैश शुरू की जाएगी। तो इसका उत्तर आएगा कक्षा 6 से लेकर 8 तक। NATS का तात्पर्य है राष्ट्रीय शिक्षाता प्रशिक्षण योजना। डैश को उद्योग में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योगों का अर्थ कोई भी उद्योग या व्यवसाय जिसमें इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी व्यवसाय पाठ्यक्रम। तो काफ़ी बड़ा इसका प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम ले लेते हैं शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत इसमें ये उत्तर आएगा। NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है, तो इसका उत्तर आएगा मानक। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा का स्तर है वो आएगा इसका उत्तर 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यवसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की डैश उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसका उत्तर आएगा 6 से 12 तक। कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाहरी मूल्यांकन क्षेत्रीय कौशल परिषद द्वारा लिया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण होते हैं 1 जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने डैश दृष्टिकोण है शैक्षणिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए सिफारिश की गई है। तो इसका उत्तर आएगा क्रेडिट आधारित ढांचा। एक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षक के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यहाँ भी कि डैश शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना है। तो इसका उत्तर आना चाहिए अभ्यास। युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच डैश को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका उत्तर आएगा बेमेल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रीय
क्षेत्रों को ही चुना जाना है? तो इसका उत्तर आएगा कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। NSDC का अर्थ है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा VI के तहत, जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW के रूप में माना जाता था, उसे अब पेश किया जाएगा कक्षा 1 से 5 तक। डैश शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रीय दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए शिक्षात्री। NIP 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा, ताकि अन्य विद्यालयों को हम सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दे सकें? तो इसका उत्तर आएगा हब और स्पोक। अब हम अपने उत्तर चेक कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चन 20 थे और हमने पूरे 20 क्वेश्चन किए और कोई भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं हमारे कितने अंक आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे पूरे 20 में से 20 अंक आए। तो आप भी इस प्रकार इस क्विज की सहायता से जो मैंने यहाँ पे आपके सामने करके दिखाया है, तो आप भी अपना स्कोर 20 में से 20 ला सकते हैं।